नमस्कार, मैं सार्थक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। बुकिंग के बाद अगर नहीं आया कैब ड्राइवर तो लगेगा 25,000 रुपये जुर्माना। दिल्ली सरकार जो नीति बना रही है उसके मुताबिक छेड़छाड़ या ड्राइवर के गलत व्यवहार की शिकायत एग्रीगेटर को पुलिस में दर्ज करानी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर 1,00,000 का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर बुकिंग के बावजूद कैब ड्राइवर नहीं आता है तो कंपनी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जल्दी ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है। गुजरात के हीरा कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को गिफ्ट की मर्सिडीज कार। सूरत के हरे कृष्ण डायमंड के मालिक सब्जी भाई ढोलकिया अपने कर्मचारियों को महंगे तोहफे देने के लिए मशहूर हैं। इस बार उन्होंने कंपनी में नौकरी के 25 वर्ष पूर्ण करने वाले 3 कर्मचारियों को मर्सिडीज कार गिफ्ट की है। इन कारों की कीमत 1-1 करोड़ रुपये है। इससे पहले 2017 में सब्जी भाई ने कर्मचारियों को 1200 डेटसन रेडी को कार गिफ्ट की थी, जबकि 2016 में दिवाली बोनस के रूप में 51 करोड़ रुपये दिए थे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर बना सकते हैं सरकार। स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन कर सकते हैं। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह स्वागत योग्य है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक मियां अल्ताफ ने कहा कि बुखारी की राय विचार योग्य है। व्हाट्सएप पर रिस्टोर कर सकते हैं डिलीट हुआ मैसेज। व्हाट्सएप के जरिए यूज़र अपने टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मीडिया फाइल्स को दूसरे यूज़र्स को आसानी से भेज सकते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप का इस्तेमाल अब ऑफिशियल कामों के लिए भी किया जा रहा है। इसे देखते हुए व्हाट्सएप ने गलती से डिलीट हो गए मैसेज को रिस्टोर करने की सुविधा शुरू कर दी है, लेकिन इसके लिए फ़ोन एंड्रॉयड 4.4 या उससे ऊपर के वर्जन पर काम करने वाला होना चाहिए। 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी 4 अक्टूबर को 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। वह भारत और रूस के बीच होने वाली 19वीं वार्षिक शिखर बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच वर्ष 2000 से हर साल शिखर वार्ता बारी बारी मॉस्को और नई दिल्ली में होती है। डॉक्टरों ने टाइटेनियम से बना दी कुत्ते की खोपड़ी। कनाडा में डॉक्टरों और रिसर्चर्स की टीम ने कैंसर पीड़ित कुत्ते का ऑपरेशन कर उसकी जान बचा ली। कुत्ते की खोपड़ी के एक हिस्से में कैंसर का ट्यूमर था। ऐसे में टीम ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से टाइटेनियम की नई प्लेट तैयार की और खोपड़ी के पुराने हिस्से में उसको बदल दिया। रिसर्च टीम की हेड मिशेल ओब्लाक के मुताबिक आमतौर पर ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन इस मामले में उन्हें सफलता मिली। बोट में सवार व्यक्ति को सील ने जड़ा थप्पड़। न्यूजीलैंड में एक सील मछली ने बोट पर सवार व्यक्ति के चेहरे पर ऑक्टोपस की मदद से जोर का थप्पड़ मारा। बताया जाता है कि काइली मोलिंदर वीकेंड मनाने के लिए समुद्र की सैर करने निकले थे, तभी बोट पर उसका सामना सील मछली से हुआ। सील ने अपने पंजों से ऑक्टोपस को पानी से उठाया और काइली के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। बंधन बैंक को नई ब्रांच खोलने से रोका, सीईओ की सैलरी फ्रीज। आरबीआई ने बंधन बैंक के सीईओ की सैलरी फ्रीज करते हुए बैंक को नई ब्रांच खोलने से मना कर दिया है। आरबीआई ने सीईओ के खिलाफ यह कार्रवाई प्रमोटर के शेयर होल्डिंग मानकों को पूरा नहीं करने के कारण की है। बंधन बैंक अब आरबीआई की मंजूरी के बिना कोई नई ब्रांच नहीं खोल सकेगा। धोनी ने 800 कर रचा इतिहास, बने एशिया के सबसे बड़े विकेटकीपर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 800 शिकार करने के आंकड़े को छू लिया और इसके साथ ही वह विश्व के तीसरे और एशिया के पहले विकेटकीपर बन गए हैं। एशिया कप के फाइनल में धोनी ने बांग्लादेश के कप्तान मुशर्रफ मुर्तजा को स्टंप कर 800वां शिकार पूरा किया। इससे पहले उन्होंने लिटन दास को स्टंप कर पवेलियन लौटा दिया था। रणबीर कपूर के बर्थडे पर आलिया ने पहनी 1,30,000 की ड्रेस। एक्टर रणबीर कपूर अब 36 साल के हो गए हैं और उन्होंने अपना बर्थडे माँ नीतू कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ सेलिब्रेट किया। नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें नीतू, रणबीर और आलिया नज़र आ रही हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें आलिया ने जो ड्रेस पहनी है वह एक मशहूर फैशन ब्रांड की है और इसकी कीमत करीब 1,30,000 रुपये है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।